Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In my previous lecture, I discussed combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. And in today's lecture, I am going to discuss the remaining types, that is double displacement reaction, precipitation reaction, neutralization reaction, and redox reaction. Now the fourth type is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं उनको डिस्प्लेस करते हैं या रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, या यूं कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं या कंबाइन होते हैं तो वो आपस में आयन्स एक्सचेंज करते हैं जिसकी वजह से नए सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली आयनिक कंपाउंडों के दरमियान होती है और इसमें एट टाइम्स या सम टाइम्स प्रोडक्ट साइड में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। डेफिनेशन देखिए आप, इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाई अनदर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, और वी कैन से इट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई एक्सचेंज ऑफ आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। इन दीज रिएक्शन जनरली प्रेसिपिटेशन अकर्स एंड यूजली अकर इन आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म में, सोडियम सल्फेट ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में, व्हेन दिस रिएक्ट जब ये कंबाइन होते हैं तो जो प्रोडक्ट है दैट इज बेरियम सल्फेट जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है दिस कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट में जो क्लोरीन आयन्स हैं और सोडियम सल्फेट में जो सल्फाइड आयन्स हैं, यहाँ पर आप देखिए सल्फेट आयन्स दिस आर ग्रुप ऑफ आयन्स, इसी तरह क्लोरीन आयन्स ग्रुप ऑफ आयन्स, सल्फेट आयन्स जो हैं ये डिस्प्लेस करते हैं क्लोरीन आयनों को, या क्लोरीन आयन्स डिस्प्लेस करते हैं सल्फेट आयन्स को, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड जब ये रिएक्ट होते हैं तो दे प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यहाँ पे नाइट्रेट आयन्स डिस्प्लेस करते हैं क्लोराइड आयन्स को। सिमिलरली लेड नाइट्रेट और आयरन सल्फेट जब रिएक्ट होते हैं तो ये आयरन नाइट्रेट और लेड सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ भी नाइट्रेट आयन्स रिप्लेस करते हैं सल्फेट आयन्स को, या सल्फेट आयन्स रिप्लेस करते हैं नाइट्रेट आयन्स को। दैट मीन्स इन दो कंपाउंडों के दरमियान आयन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। सो दीज आल थ्री रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसलिए क्योंकि हर एक रिएक्शन में ग्रुप ऑफ आयन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं या ग्रुप ऑफ आयन्स डिस्प्लेस करते हैं दूसरे आयन्सों को। ठीक, दिस वाज अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द फिफ्थ टाइप इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो जो सॉल्युबल नहीं होता है। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट साइड में एक इनसॉल्युबल मटेरियल या सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए आप, ए केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल मटेरियल दैट इज प्रेसिपिटेट एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है, प्लस सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस फॉर्म में है, जब ये रिएक्ट होते हैं तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है, जो बेरियम सल्फेट है ये इनसॉल्युबल है, मीन्स ये प्रेसिपिटेट है, दैट इज दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी तरह है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है, एक्वस फॉर्म में, जब ये रिएक्ट होते हैं दे फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड मीन्स एक्वस एंड बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। सिमिलरली
सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में है। जब ये रिएक्ट होते हैं दे फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म एंड सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म। दैट मीन्स दीज ऑल रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, क्योंकि हर एक रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, नाउ द सिक्स्थ टाइप इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड्स और बेसिस रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड्स और बेसिस एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज द रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। सिंस इन दिस रिएक्शन एसिड्स एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट, सो द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस दीज रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड साल्ट एंड वाटर एंड लिबरेट एनर्जी। इसी तरह है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस दीज रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, दिस इज साल्ट एंड वाटर एंड लिबरेट एनर्जी। यहाँ पे आप देखिए एनर्जी रिलीज होती है हर एक रिएक्शन में, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इसमें पॉजिटिव है एंड OH नेगेटिव है। जब ये रिएक्ट होते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन की जगह लेता है, इट फॉर्म्स NaCl। इसी तरह हाइड्रोजन सोडियम की जगह लेगा, इट फॉर्म्स H2O। सो वी कैन से डैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक प्लेस, यहाँ पे आयन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो नटशेल में ये कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, एक तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है और दूसरा कि इसमें आयन्स भी एक्सचेंज होते हैं, तो ये बोथ एक्सोथर्मिक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, दिस वाज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ द सेवंथ टाइप इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। जो फर्स्ट डिफिनेशन है, इट इज़ अ गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया है तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हुई है। सिमिलरली जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स जिंक ऑक्साइड, जिंक ने ऑक्सीजन गेन किया है तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। जो नंबर सेकंड डेफिनेशन है, डेट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर कोई सबस्टेंस हाइड्रोजन लूज करता है या हाइड्रोजन उससे एलिमिनेट होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लाइक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इट गिव्स सल्फर प्लस हाइड्रोजन गैस, डेट मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। इसी तरह NADPH इज कॉल्ड रिड्यूस्ड निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, डेट मीन्स NADPH की भी ऑक्सीडेशन हुई है। थर्ड डिफिनीशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, इसका मतलब है कि अगर कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लूज होता है या इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इससे एलिमिनेट होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लाइक सोडियम, इट गिव्स
एन ए पॉजिटिव सोडियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन गेन, सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है। इसी तरह मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो मैग्नीशियम की भी ऑक्सीडेशन हुई है। सिमिलरली पोटेशियम और कैल्शियम की भी ऑक्सीडेशन हुई है। नाउ कमिंग टू सेकंड हाफ, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। दैट मीन्स अगर कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन देता है या ऑक्सीजन एलिमिनेट होता है तो, या ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। लाइक मर्करिक ऑक्साइड को जब हम हीट सप्लाई करते हैं, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम मर्करी प्लस ऑक्सीजन। हियर मर्करिक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है। इसी तरह क्यूपरिक ऑक्साइड बाय अप्लाइंग हीट इट गिव्स CU प्लस O2। यहाँ पे क्यूपरिक ऑक्साइड की भी रिडक्शन हुई है। नंबर सेकंड डेफिनेशन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अगर कोई सबस्टेंस हाइड्रोजन गेन करता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। लाइक फ्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पे फ्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया है तो फ्लोरीन की रिडक्शन हुई है। इसी तरह निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट दैट इज NADP ने हाइड्रोजन गेन किया है तो इसकी रिडक्शन हुई है। जो थर्ड डिफिनीशन है, डेट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। ये भी मॉडर्न कंसेप्ट है। अगर कोई सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। लाइक क्लोरीन इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स क्लोरीन आयन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसकी रिडक्शन हुई है। यहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, हर एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अब कंपेयर करेंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट है रिडक्शन, दैट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। सेकंड इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ इसका अपोजिट है गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। थर्ड इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसका अपोजिट है गेन ऑफ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। दिस वॉज अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कंप्लीट होंगे तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यूज कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड इनिशियली रिएक्टेंट साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे यहाँ पे सिर्फ कॉपर है। दैट मीन्स कॉपर ने ऑक्सीजन लूज़ किया है या कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इस कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इनिशियली रिएक्टेंट साइड में सिर्फ हाइड्रोजन गैस है। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन हुई है। क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है एक साथ तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। इसी तरह है आयरन ऑक्साइड और है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये रिएक्ट होते हैं दे फॉर्म आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स आयरन ऑक्साइड इनिशियली रिएक्टेंट साइड में आयरन के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन किया है तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, दिस वाज अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन। अब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उस एजेंट या सबस्टेंस को कह सकते हैं जो किसी दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करता हो लेकिन खुद रिड्यूस होगा तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एन एजेंट आर सबस्टेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर बट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है या तो ये किसी सबस्टेंस को ऑक्सीजन ऐड करेगा या उस सबस्टेंस से हाइड्रोजन रिमूव करेगा या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। ठीक,
यहाँ पे आप देखिए कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम उस सबस्टेंस या एजेंट को कहेंगे जो दूसरे सबस्टेंस को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या तो किसी सबस्टेंस से ऑक्सीजन रिमूव करेगा या किसी सबस्टेंस को हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा। यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन गैस रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है इनटू वाटर। ठीक, दिस वाज होल अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।